बीबी मैं कांप रहा हूँ, लिटरली मैं कांप रहा हूँ बीबी। तो इस अभी चार्ली ने अपना, जिसमें हम उसको डॉग फूड निकाल कर देते हैं, बाउल छोटा सा कप जो होता है वो पकड़ लिया है, तो अभी दे नहीं रहा। तो देखो देखो, बाय चार्ली, चलने फड़ ला यार, तोड़ देना उन्हें। फड़ ला किथे गया, गाइस अभी ना वहाँ पर एक पपी है, वो शायद वहाँ पर फंस गया है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा गड्ढा है। और कुआं टाइप का है, थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा गहरा नहीं है, तो पानी भी है उसमें। और आई थिंक वो उसमें गिर गया है, और छोटा पपी है काफ़ी, बड़ा होता तो फिर तो खुद ही बाहर आ जाता, लेकिन काफ़ी वो छोटा है तो उसको उस तो वो ना बाहर नहीं आ पा रहा। तो अभी रोहित गया है, देखते हैं क्या होता है अभी। चार्ली तेरे भाई को निकालने गए हैं यार, थोड़ी वेट कर, अभी निकल जाएगा बाहर वो। आड़े कड दे रोहित, नहीं बच्चा उन्हें की कहना। अभी वो इधर आ गया है, ये देखो ये रहा, ये इसने उसे बचा ही लिया। वहाँ पर थोड़ी से गड्ढा था तो उसमें पानी था तो गिर गया था उसमें। हाँ फिर आ गया हेल्प करके पपी की। तूने वीडियो बना ली है? हाँ थोड़ी सी बनाई है। तो गाइस मुझे तो पता भी नहीं था कि ये वीडियो बना रहा है, तो मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब वो चिल्ला रहा था तो मेरा बस यही दिल कर रहा था कि उसे जाकर बचाऊँ। तो जब मैं उसके पास गया तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था। तो देख लो बीबी मैं कांप रहा हूँ, लिटरली मैं कांप रहा हूँ अभी भी। तो मुझे अभी खुशी भी महसूस हो रही है, तो अब मैं खुश भी हूँ कि मैंने एक जान को, नन्ही सी जान को बचाया है। तो गाइस मेरा ये विज़न है कि मैं स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ करूँ, तो मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल से जब भी फ्यूचर में कोई भी अर्निंग आए तो उसका एक बड़ा हिस्सा मैं इन स्ट्रे डॉग्स की हेल्प में यूज़ करना चाहता हूँ। तो हाँ यार आज मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, खुशी भी हो रही है, मज़ा भी आया है स्ट्रे डॉग्स की हेल्प करके। तो मैं ऐसा मज़ा बार बार लेना चाहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल से जो भी अर्निंग हो उसका एक बड़ा हिस्सा
मैं इन स्टे डॉग्स के लिए यूज़ कर सकूं। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसे पूसे मुझे नहीं देने, बस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपकी यही हेल्प होगी। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।